आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पैकेट मैगी या फिर आप जितने भी चाहें। तो हमारे पास मैगी तो आ चुकी है। अब आपको चाहिए होगी एक कढ़ाई और उसके अंदर डालना है पानी। जितने भी आप पैकेट मैगी बना रही हो उतने ही ग्लास पानी डालना है। तो गाइस हम एक पैकेट मैगी के अंदर एक ग्लास पानी डाल रहे हैं और अब आपको इसको गैस पे रख देना है। गाइस हमने गैस तो ऑन कर ली है और ये फुल फ्लेम पे है। जितने गैस ऑन है उतने हम अपनी मैगी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गाइस हमने मैगी को तो निकाल लिया है, अब उसका पैकेट खोलते हैं। इतने आप देख लीजिएगा कि पानी अगर बॉईल हो रहा है तो उसको सिम पे कर दीजिएगा। अभी हमारा बॉईल नहीं हो रहा तो हम फुल पे ही रखेंगे। गाइस जितने में हम अपना पैकेट खोल रहे थे उतने में ही हमारे पानी में बॉईल आ गया, इसलिए हमने उसको सिम पे कर दिया। अब आपको इसके अंदर अपना मसाला डाल देना है और मसाला डालने के बाद आपको अपनी मैगी को फ्रेश कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि वो छोटी छोटी आए तो आपको मैगी क्रश करना है, और अगर आप चाहते हैं कि वो बड़ी लंबी लंबी आए तो आपको उसको क्रश नहीं करना है। तो गाइस हमने क्रश कर लिया है। गाइस अब आप देख सकते हैं कि पानी ऐसे हो चुका है। तो आपको एक आपको इस गैस को फुल पे कर देना है और उसके बाद आपको थोड़ी देर तक वेट करना है, फिर आपको अपनी मैगी डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मैगी को इसमें डाल दिया है। अब आपको इसको सिम पे रखना है जितने, और फिर आपको 2 से 3 मिनट ऐसे ही गर्म होने देना है। तो 2 मिनट गर्म होने के बाद आपको इसके अंदर नमक और हल्दी डाल देनी है। याद रखिएगा कि हल्दी को आप हमेशा स्पून से डालें, वरना वो आपके हमेशा हाथ पे ही रहेगी। तो हम स्पून ले आए हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं, अब इसमें डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मैगी थोड़ी बहुत बॉयल होने लगी है। अब इसको ऐसे चम्मच से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें आप अपना बटर या फिर चीज़ भी डाल सकते हैं, तो मैं बटर लेके आया। तो गाइस मैं बटर भी लेके आ चुका हूँ। अब आपको इसको काट के डाल देना है। और हाँ, याद रखिएगा कि आपको हमेशा नाइफ़ का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए और आपको अपने पेशेंट से ही करवाना चाहिए। और अब आपको